पुलिस झंडा दिवस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताडा ने पुलिस लाइन स्थित क्वार्टर गार्ड में पुलिस झंडा ध्वजारोहण कर सलामी दिया। ध्वजारोहण के पश्चात एसएसपी ने डीजीपी का संदेश पढ़कर सुनाया। इसके साथ ही पुलिस ध्वज का स्टिकर उपस्थित अधिकारियों कर्मचारियों के वर्दी पर लगाया, जिसके संबंध में एसएसपी ने बताया कि 23 नवंबर 1952 को पुलिस लाइन लखनऊ के परेड ग्राउंड में वार्षिक परेड के अवसर पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने देश के पुलिस बलों में उत्तर प्रदेश पुलिस को सर्वप्रथम झंडा पुलिस व पीएसी ध्वज प्रदान किया था। ध्वज का आकार 4 फीट लंबा व 3 फीट चौड़ा है। यह 2 रंगों का है, जिसमें ऊपर लाल रंग और नीचे की ओर नीला रंग है। मध्य में यूपी पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। 20 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश पुलिस को देश के समस्त डीजीपी व आईजीपी पुलिस सम्मेलन का आयोजन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यह गौरव की बात है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री व देश के गृह मंत्री मौजूद रहे। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर सोनम कुमार, पुलिस अधीक्षक अपराध डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, सहायक पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी बांसगांव राहुल भाटी, क्षेत्राधिकारी खजनी अनिल कुमार सिंह, RI गोरखनाथ सिंह सहित अन्य संबंधित पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मैं आज ही के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस को लाल व नीले रंग का ध्वज प्रदान किया गया था। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष में पहली पुलिस बल था जिसे स्वयं उसका झंडा दिया गया था। आज के दिवस पे हमारे माननीय डीजीपी महोदय ने हम सभी के लिए एक संदेश लिखा है, जो मैं आपके सामने पढ़ूंगा। प्रिय साथियों, शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। किसी संगठन का ध्वज उसकी शान व पहचान होता है। ध्वज का महत्व आदिकाल से वेदों व पुराणों में देखने को मिलता है। इतिहास गवाह है कि ध्वज पताका की प्रेरणा से धर्म की अधर्म पर विजय अविस्मरणीय रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे भारतवर्ष का प्रथम राज्य पुलिस बल है जिसे उसके अप्रतिम योगदान के लिए 23 नवंबर 1952 को भारत की कार्यवाही करने के फलस्वरूप सभी महत्वपूर्ण अपराधों में भारी कमी आई है। के साथ ही महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा करने, उनके प्रति अपराध रोकने, उन्हें त्वरित न्याय दिलाने, उनके सम्मान व स्वावलंबन हेतु ऐतिहासिक कार्य किया जा रहा है, जिससे आमजन ने चैन की सांस ली है। ATS यूनिट द्वारा मूक बधिर छात्रों एवं कमजोर आय के वर्गों को प्रलोभन, मंत्री जी भारत सरकार के साथ साथ पूरे देश के पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक एवं देश के पुलिस संस्थानों के महानिदेशक प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। सम्मेलन को संपन्न कराना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसका सफल आयोजन आप सभी के परिश्रम का परिणाम रहा है। सम्मेलन में लिए गए निर्णय को क्रियान्वित करने के लिए हम कटिबद्ध न्यास किया गया। यह संस्थान नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी से संबद्ध होगी। लखनऊ एवं गौतम बुद्ध नगर के अलावा 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों पर साइबर क्राइम थाने की स्थापना की गई तथा साइबर जागरूकता कैंपेन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम को विभिन्न चरणों में चलाया जा रहा है। साइबर अपराध करने वाले के विरुद्ध एवं सोशल मीडिया के माध्यम से फर्जी एवं भ्रामक खबरें